जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वहां पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और यही पैटर्न से ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में यानी CBSE में पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 16 मिलीग्राम मास इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पहले क्या मास गिवन है और पूछा क्या है एनर्जी, तो पहले मास की वैल्यू लिख लें। मास कितना दिया है, m इक्वल टू 16 मिलीग्राम। वैल्यू पुट करें, अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16 को 16 लिखा इंटू मिली का मतलब कितना होता है 10^-3, तो ये आ जाता ग्राम में। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 16 × 10^-3 था ही, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 10^-3, तो ये आ गया हमारा केजी में। मतलब फाइनली हमारा जो मास आया है वो कितना आया, 16 × 10^-6 किलोग्राम। बोलो क्लियर है, मास की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछा है। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के एनर्जी को, या तो आप इसको ऐसे लिखो m इंटू सी स्क्वायर कर दो, m मतलब मास और c स्क्वायर हमने स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, किसमें आएगा जूल में आंसर, उसने किसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दूसरा मेथड हम लेंगे, कैसा, इसको लिख लेते हैं e इक्वल टू मास जो है किलोग्राम पे दिया है, किसमें दिया है किलोग्राम पे दिया है, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मास को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर है अभी इसी से करें, ठीक है, ताकि लेंदी ना हो पाए, अदरवाइज उससे लेंदी हो जाएगा। मास की वैल्यू कितनी है, 16 × 10^-6। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10^16 स्क्वायर था ना भाई, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10^8, स्क्वायर करना था कितना आ गया 9 × 10^16। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, जूल में। हमें लाना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो क्या करना है, पहले इसको लिख देते हैं 16 × 9 × 10^ कितना आ गया, -6 में 16 कम कर दो 10 बचेगा। हमें अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10^-19 जूल। देखो यहां पर अगर मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा भाई 16 से 16 कैंसिल हो गया, यार पॉइंट है ना, पॉइंट है तो ऊपर जीरो आ गया होगा। बोलो समझ आया। अब अगर पावर देखे तो पहले 9 को 9 लिखो इंटू 10^-19 है, ऊपर गया 10^+19 हो गया, तो 10^+19 और ये 10^ कितना हो रहा है 11, तो कितना हो गया 30। चेक कर लो आप एक बार आंसर, मेरे हिसाब से सही आ रहा। देखो यहाँ पे 1.6 था, डिवाइड करा कितना आया 10 times गया 10^10 और 10^1 10^11 हो गया, 10^-19 ऊपर गया 10^+19 हो गया, तो 19 में 11 और ऐड कर दिया कितना आ गया 10^30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा पहला पैटर्न है। तो मेन आपको क्या पैटर्न पहले समझना है, मैं यहाँ पर जो ट्राई कर रहा था पहले वो ये सोच रहा था कि अगर हम लोग एनर्जी जब भी हो मास में से अगर मैं 931 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो मास रहता है ना वो रहता है हमारा AMU में, किस में रहता है AMU में, तो पहले KG को AMU में कन्वर्ट करते, इससे बेटर था मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैटर्न है सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन ध्यान रखें आप कि क्वेश्चन में क्या आपको यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ना वो डेटा चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। मैं पूरी स्लाइड जो है ना वो सेव कर दूंगा, ओके, फिर यही मैं आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को भी दे दूंगा जो ऑफलाइन बैठे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8। दो न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर कितना है, 1 और 8। मास नंबर मतलब A1 और A2 का रेशियो, A1 और A2 कितना दिया है, 1:8। बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर डेंसिटीज, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताना है, रो 1 और रो 2।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती नहीं है। मतलब यहां पर एक फॉर्मूला हमें पता है न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या होता है, 3m अपॉन 4 पाई आर जीरो क्यूब, यही होता है ना, और ये क्या है इंडिपेंडेंट, ऑन मास नंबर। अच्छा अच्छा लेट आ गए, इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, ठीक है। तो डेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या होगा, रो एन इज टू रो टू इक्वल टू वन इज टू वन, एक और एक का रेशियो रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो दो चीजों का रेशियो पूछेगा, रेडियस और रेडियस का पूछेगा या मास नंबर का पूछेगा, तो वहां रिलेशन रहता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा है अभी, यहां पर भी रेशियो दिया हुआ है, लिखा है टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 8:125। मास नंबर दिया है मतलब A1 और A2 का रेशियो दिया है, A1 और A2 का रेशियो कितना दिया है 8 और 125 का। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियस। अब रेडियस का रेशियो पूछा है, तो रेडियस और मास नंबर में तो रिलेशन होता है ना, क्या होता है आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। फॉर्मूला याद रखेंगे, दो ही है जिसमें रेशियो का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, या तो डेंसिटी वाले में से पूछेगा या तो इसका पूछेगा। तो यहां लिख दिया R1 by R2 equal to A1 by A2 की पावर 1/3। A1 by A2 कितना है 8 और 125 की पावर 1/3, ठीक है। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 125 को लिख सकता हूं 5 की पावर 3, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, अब तो 125 को 5 की पावर 3, अब पावर 1/3 भी था तो इंटू 1/3 भी लिख दिया, ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2/5 यानी कि 2:5, ये आया रेडियस का रेशियो। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखो, इसमें क्या मास नंबर दिया था लेकिन डेंसिटी का रेशियो पूछा था। ध्यान रखना डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास में, मतलब मास नंबर कम हो या ज्यादा हो डेंसिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो एक जैसी रहेगा, ठीक है। क्या हुआ रियांशु, तो मैं तो यहां पर दोनों एक ही हुए ना भाई। चलो कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको इक्वेशन दी है, क्या लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दी है, यूरेनियम लिया हुआ है, कुछ भी लिया हो वो किसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक थोरियम और एक हीलियम मिला है, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। तो एनर्जी रिलीज का जो फॉर्मूला है वो पहले ले ले, तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, अब यहां पे एनर्जी तो दी नहीं है, नहीं तो वो एनर्जी निकाल लेते, बट हमें एक फॉर्मूला पता है मास इंटू सी स्क्वायर, या मास अगर AMU में दिया है, यूनिट लिखा है ना, देखो यहाँ मास दिया है तो यूनिट में दिया है, यूनिट मतलब AMU की बात कर रहा है, देखो यहाँ लिखा भी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी मास डिफेक्ट हो उसमें हम क्या करेंगे 931 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहले डेल्टा एम को लिखा जाए तो एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एम का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने डिफरेंस लिया था याद होगा, जेड एम पी प्लस इस टाइप से लिखा था ना, जेड ए माइनस जेड एम एन माइनस ऑफ एम, याद आया कुछ, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1, 2, 3 चीजें मिल रही हैं, है ना, तो इनके मास जो दिए हुए हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे बस। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, टोटल मास कितना आ रहा है इनका, तो मैं इसको अगर ऐड करूं तो टोटल मास कितना आएगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, मास ऑफ थोरियम टीएच प्लस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ यूरेनियम कितना है यू, जो भी ये नंबर लिख लेंगे, है ना, ये हो गया हमारा, और इनटू में क्या करेंगे 931 का मल्टीप्लाई, आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। मैंने क्या किया, मास जो हमारा रिजल्ट मिल रहा ना, इसका टोटल मास माइनस
यूरेनियम का मास I2 में 931 वैल्यूज रखता हूं, थोरियम का मास कितना है 234.043630 प्लस हीलियम का मास कितना, इसको ऐड करना है ना 4.002600 माइनस, और ये है 238.050 है ना, और इनटू में क्या करेंगे हम लोग 931 का मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया, ये आएगा 238.05339। चेक कर लो एक बार आराम से, ये है 234.043630 4.002600 हाँ बोलो आंसर 04623। ठीक, माइनस माइनस करो इसमें 238.05079 इंटू 931 कितना आ रहा, माइनस में आ रहा होगा ना, क्यों बेटा 234.046 है ना, 050 है तो कोई बात नहीं ना, मैग्नीट्यूड बोलो आप, तो कितना आ रहा 0.00456 और मल्टीप्लाइड बाय कितना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का नाम सुना है, जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो क्या होता है एक्सोथर्मिक, और जब एनर्जी लेता है तो इंडो, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन कौन सी हो रही है इंडोथर्मिक, वैल्यू कितनी आई मल्टीप्लाई करो 4.24 बस ठीक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो किसी को कोई समस्या, पैटर्न समझ आया, तो ऐसा नहीं कि हमारी एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में आ रही है तो हमारी इंडोथर्मिक होगी और प्लस में आएगी तो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न समझो पहले, तो आपको जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन में दिया हो और मास दिए हो, तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट में आ रहा होता है टोटल मास, वो टोटल मास ले लेते हैं, माइनस जो हमारा रिएक्टेंट दिया होता है उसका मास लेंगे और इसमें 931 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब लिखा हैवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास नंबर 240, कितना दिया है मास नंबर 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको कोई एक्स दिया हुआ है, इसका मास नंबर दिया है 240, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसका दिया है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज स्प्लिट इंटू टू फ्रेगमेंट y एंड z, एक y में और एक z में ब्रेक हुआ, ठीक है, ऑफ मास नंबर 1110 और एक कितना है 1110 और 130। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन y एंड z इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन जो दिया है x का कितना दिया है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं निकालूं इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालेंगे x का तो कितना आएगा 7.6 था, कितने हैं न्यूक्लियॉन 240, तो 240 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x या फॉर x कितना है 7.6 इंटू 240। ऐसी मैं इसकी बात करूं y और z की, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y निकालो, तो y का बाइंडिंग एनर्जी क्या है 8.5 दिया था ना, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, अब बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी, कितना आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड, कितना है 8.5 दिया था, कितने न्यूक्लियॉन है जेड में 130। बोलो ये क्लियर हो गया, मतलब सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर गिवन है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है,
तो बाइंडिंग एनर्जी एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का आ गया। अब क्या करना था, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इन द इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज्ड का फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलो अब सॉल्व करना है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या y और z मिला था, तो y वाले को देखो कितना 8.5 × 110, ये ऐसे लिख लो 8.5 × 110 प्लस 8.5 × 130 माइनस इसका दिया था अपना 7.6, कितने दिए थे 240, ये लिख दिया 240। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करो, कुछ भी काम नहीं कर सकते आप, ये करना ही पड़ेगा, 8.5 को कॉमन कर लो, 110 और 130 ऐड करो, कितना हो गया 240 और माइनस 7.6 × 240, बोलो क्लियर है। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लो, 240 कॉमन है पूरे में से, तो बचेगा 8.5 × 7.6, तो ये आया 240, ये हुआ, और ये कितना आया 0.9, हाँ माइनस ही कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख दिया, बराबर है, ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा, 240 का 0.9 में मल्टीप्लाई करना है, यानी 240 से कम आना चाहिए, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है, ये आया एनर्जी रिलीज्ड का, ठीक है। पैटर्न समझो आप, पैटर्न क्या है, देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन ही अपने पास। आपने पहले आपको एक्स दिया हुआ था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी थी, तो उसकी पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने 240 थे, 240 का इसे मल्टीप्लाई कर देते, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। ऐसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई निकालेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई दिया था 8.5 पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मल्टीप्लाई करो, तो वाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं 110, तो 110 का मल्टी, ऐसे ही जेड में करेंगे 130 का मल्टीप्लाई होगा। टोटल एनर्जी जो हमारे पास मिल रही है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कैलकुलेट द एनर्जी इन द फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। यहां देखो अब एक इक्वेशन दी है, 1s2 + 1s2 = 2h3 + न्यूट्रॉन। अब यहां पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1s2 इज 2.23 एंड 2he3 इज 7.73, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, बाइंडिंग एनर्जी दी है। इस बार आपसे पूछा क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, वैसे एनर्जी रिलीज्ड का फॉर्मूला है ना, क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का कितना है, तो प्रोडक्ट हमारा 2he3 है, तो 2he3 का एनर्जी दिया होगा कितना है 7.73, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है 1s2 का मास दिया है 2.23, लेकिन ये दो है ना, देखो एक दो, तो दो है तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ रहा, 7.73 माइनस ये कितना हो जाएगा 4.46, कितना आ रहा, सब्ट्रैक्ट कर लो, चार ये बचा 77, चेक कर लो, ठीक है। पैटर्न समझ आया, ये सारे प्रीवियस ईयर के में आए हुए हैं पैटर्न, है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। इसमें इस बार ऐसी इक्वेशन दी, हो सकता है अपने इस बार पेपर में आए तो इक्वेशन चेंज हो जाए, प्रोसीजर थोड़ी ना चेंज करेगा,